मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के 12वें दिन भिवानी के लोक निर्माण विश्राम में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों के तृष्णी किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए एक मुश्त निपटान स्कीम के तहत उनके फसली तृष्णों के ब्याज व जुर्माने की 4,750 करोड़ रुपए की राशि माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, हरियाणा भूमि सुधार विकास बैंक के तृष्णी किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि किसानों को सिर्फ अपनी मूल तृष्ण राशि की ही जमा करनी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ब्याज व जुर्माने की राशि के निपटान के लिए यह एक मुश्त राहत प्रदान की गई है। हम लोग एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किसानों के लिए ला रहे हैं, जिन किसानों ने पैक्स से अथवा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बैंक्स हैं DCCB उनसे अथवा लैंड मॉर्गेज बैंक्स से लोन लिए हुए हैं, उनके लोन्स का इंटरेस्ट और पेनल्टी जिस प्रकार से बैंक्स का प्रावधान है उसमें बहुत से जो फार्मर्स हैं वो NPA हो गए हैं, क्योंकि उनको एक निश्चित राशि के न लौटाने के बाद आगे उनको लोन रिन्यूअल नहीं होता और इस कारण से उनको कठिनाई काफ़ी हो गई है। तो बैंक और फार्मर्स का आपस में लेन देन भी एक प्रकार से बाधित हुआ है और किसानों को भी एक स्ट्रेस से हुआ है कि किसान का इंटरेस्ट और पेनल्टी वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। तो इसमें से सरकार ने, हम लोगों ने विचार किया है कि आखिर इसमें से एक राहत इंटरेस्ट की और पेनल्टीज की ये किसानों को दी जाए। तो उसके अनुसार 3 प्रकार के जो योजनाएँ हैं वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। पहला है पैक्स। पैक्स के अभी तक 13 लाख फार्मर्स ये लोनी हैं, जिसमें से 8.25 लाख ये NPA हो गए हैं, जिनकी ट्रांजैक्शन अब आगे बंद है। तो उसमें कुल मिलाकर के उनके ऊपर 7% इंटरेस्ट लगता है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 3% सेंट्रल गवर्नमेंट नाबार्ड द्वारा दिया जाता है, और फेलियर के केस में 5% पेनल्टी भी लगती है। तो ऐसा 12% का इंटरेस्ट ये बढ़ते बढ़ते कुल मिलाकर काफ़ी बड़ी अमाउंट ये पेंडिंग हो गई है। तो अब हमने विचार ये किया है कि इनका जो 4% है स्टेट गवर्नमेंट का, वो तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, उनको हम फ्री कर रहे हैं। 5% जो पेनल्टी है वो भी माफ़ कर रहे हैं पूरी, और जो 3% नाबार्ड देता था उसको अब 3% को 1.5% गवर्नमेंट पे करेगी और बाकी 1.5% टैक्स बेयर करेगा, क्योंकि टैक्स के द्वारा लोन लिया गया है। तो 1.5% टैक्स और 1.5% गवर्नमेंट, अर्थात अब पूरे का पूरा इंटरेस्ट माफ़, पूरे की पूरी पेनल्टी माफ़। अब केवल किसान को जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है वही उसकी तरफ ड्यू है, उसको जमा करा के और अपने खाते को नॉर्मल करा सकता है, NPA से उसको बाहर निकाल दिया गया है। इस प्रावधान से किसानों को लगभग 2500 करोड़ रुपए का लाभ होगा ये इस योजना के आगे बढ़ाने से। दूसरा है DCCB अर्थात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इनका भी कुल 85,000 फार्मर्स हैं जिन्होंने इन कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया हुआ है, जिसमें से 32,000 ये NPA हो गए हैं। इनका जो इंटरेस्ट है ये 12% से 15% अलग अलग इसके रेट होते हैं, उसमें कुल 800 करोड़ रुपए तो प्रिंसिपल है, बाकी सब ब्याज और पेनल्टीज ये इसके ऊपर लगाई गई हैं। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं जिनके लोन हैं, एक 5 लाख रुपए से कम, यानी 3 श्रेणियां बनाई हमने, 5 लाख रुपए से कम, 5 से 10 लाख और 10 लाख रुपए से ऊपर। तो इनका अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको 12 से 15% का जो है उसको घटा करके जो 5 लाख रुपए तक के हैं वो केवल 2% इंटरेस्ट देंगे,
और 5 से 10 लाख तक के वो 5% देंगे, और 10 लाख से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के लोन लिए हुए हैं, क्योंकि वो बड़े किसान हैं या किसानी के अलावा और भी काम करने वाले लोग हैं, हैवी संख्या में कम, उनको 10% इंटरेस्ट के साथ बाकी पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ करके ये अगर जमा कराते हैं। इनकी जमा कराने की जो अंतिम तिथि वो हमने 30 नवंबर रखी है, 30 नवंबर यानी 3 महीने का समय। आज हम सितंबर में बैठे हैं, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये जमा कराते हैं तो इनको इसका लाभ हो जाएगा, और कुल मिला के 1800 करोड़ रुपये का लाभ इससे किसानों को होगा। ये दूसरी स्कीम है। इसी प्रकार तीसरी स्कीम है लैंड बोर्ड मॉर्गेज बैंक, जिसमें किसानों की ज़मीन जो है वो मॉर्गेज भी कर ली जाती है, फिर भी हम चाहते हैं कि किसानों को कुछ राहत दी जाए। तो इसमें कुल मिलाकर 1,10,000 फार्मर हैं, जिसमें से 70,000 फार्मर्स वो एनपीए में आ गए हैं। कुल 1400 करोड़ की अमाउंट है, और इसमें प्रिंसिपल जिसमें से लगभग 750 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके अंदर भी हमने पीनल इंटरेस्ट वो सब छोड़ दिया है, और जो इंटरेस्ट बाकी है उसका 50% ही अब उनसे लिया जाएगा, और वो 50% गवर्नमेंट पे करेगी लैंड मॉर्गेज बैंक को, और इसके द्वारा भी 450 करोड़ रुपए का लाभ ये किसानों को होगा। तो ऐसे कुल मिलाकर लगभग 450 करोड़, अब ये 100-200 करोड़ ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन आने के बाद रफली कहें तो 5000 करोड़ रुपए का एक ये पैकेज हमने किसानों को दिया है, और किसान इससे काफ़ी राहत महसूस करेंगे, और जो किसानों के ऊपर जो बढ़ता हुआ एक जिसको कहना चाहिए दबाव है वो समाप्त होगा। हम चाहते हैं कि किसान अपने, हालांकि किसानों को हमने रेट के नाते भी जो प्रधानमंत्री जी ने MSP घोषणा की है, कॉस्ट के ऊपर 50% का लाभ देने का पिछले 2 टर्म से ये घोषणा की जा रही है, और उसमें जहाँ तक MSP पर खरीदने की बात है, धान और गेहूँ ये तो FCI के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खरीद होती है, बाकी फसलें बाजरा है, सरसों है और सूर्यमुखी है, ये फसलें क्योंकि जितनी मांग है उससे ज़्यादा होती हैं, तो किसान की ये फसल भी एक एक दाना हमने सरकार ने खरीदा है ताकि हमारे किसानों को इसका पर्याप्त लाभ मिल सके। बाकी जो फसलें हैं वो इतनी कम हैं कि वो MSP से भी ऊपर बिकती हैं, जैसे चना है, जैसे दालें हैं, इनकी आवश्यकता खरीदने की नहीं पड़ती, फिर भी यदि बाजार भाव MSP से कम होगा किसी फसल का तो वो सरकार उसका एक एक दाना खरीदेगी। इस प्रकार आज ये 3 घोषणाएं की हैं, जिसमें लगभग 10 लाख किसानों को ये लाभ होगा और 5000 करोड़ रुपए का उनको ये बेनिफिट होने वाला है। इस सारे की जो ड्यू अमाउंट है वो पैक्स के पास उपलब्ध है, बैंक्स के पास उपलब्ध है, बैंक की तो वेबसाइट पर भी डालेंगे, बैंक की सारी जानकारी वेबसाइट पर डालेंगे, लेकिन पैक्स क्योंकि ऑनलाइन नहीं होते तो इसलिए पैक्स की अमाउंट वहीं पर किसान जा करके और अपना लोन को वापस करना चाहे वापस करे, रिन्यू करके दोबारा लेना चाहे दोबारा ले, जैसे किसान की मर्जी है, उसको ये जो रियायतें हैं वो पैक्स की उसी प्रकार की वहाँ मिलेंगी। कोई उसको इंटरेस्ट नहीं देना, कोई उसको पेनल्टी नहीं देनी, जितना पैसा उसने मूल में लिया हुआ है उतना ही उसको जमा कराना। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।